सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप डायरेक्टर भी हैं, हीरो भी हैं, फिल्म के बारे में बताइए, फिल्म और उसमें कौन कौन से किरदार हैं उस बारे में बताइए। देखो ये फिल्म है ओई जैसी ओई, जिसका टाइटल नेम है ओई जैसी ओई, तो ये फिल्म रोमांटिक लव स्टोरी के ऊपर है। ओके, तो इसमें जो करेक्टर है एक जस्सी है, और जस्सी के कुछ फ्रेंड्स हैं, उसके साथ एक विलन है आशीष पटची जो हमारे साथ बैठे हैं, इनके साथ कुछ विलन्स जो हैं जुड़े हुए, तो इन दोनों के बीच में जो टकरार होती है, जो लास्ट तक मतलब एक चेज चल रहा है, तो एंड तक वही है इस पूरी स्टोरी में हमारे। सर अगर मैं रोमांटिक फिल्म की बात करूँ, मैं वैलेंटाइन की बात करूँ, तो हाँ, बहुत जाहिर सा है मेरे दिल में ख्याल आएगा, ही रांझा ख्याल आ जाएगा, जूलियट का ख्याल आ जाएगा, रोमियो जूलियट, वैसे कुछ मिलती जुलती कहानी है क्या एकदम आपने अलग सा बनाई है, जो आम जिंदगी में होती है? ये बिल्कुल अलग सी है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये रोमियो एंड जूलियट कुछ समथिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मतलब इसमें फुल ऑफ कॉमेडी है। मतलब जो लड़का है वो एक लड़के से प्यार करता है, स्टोरी को मैं रिवील नहीं करूँगा, है ना, तो उसके बीच में बहुत से फनी मोमेंट्स होते हैं, बहुत फनी चीज़ें होती हैं, और वो एंड क्या होता है वही तो देखना है। सही, अभिनय के साथ साथ निर्देशन भी आपने किया है, कैसे दोनों को चीज़ें संभाले आप? इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट था, हाँ, क्योंकि मैंने करेक्टर पहले ही प्रिपेयर कर लिया था, वो मैंने छोड़ा नहीं था कि कुछ सेट पर मैं जाके कुछ डायलॉग्स तैयार करूँगा, कुछ बोलूँगा, वो मेरा प्रॉपर था सब कुछ। उसके बाद जब डायरेक्शन का टाइम था, तो हाँ मैं सेट पे शूट भी कर, मतलब अपने आपको सीन भी दे रहा हूँ, और पीछे आके फ्रेम में देख भी रहा हूँ, दिख कैसा रहा हूँ, चीज़ें कैसी हो रही हैं, हम सब कैसे फ्रेम में आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन कैमरामैन जो सिनेमेटोग्राफर थे वो, उनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, है ना, तो फिर वो चीज़ प्रॉपर हो जाती है जब आपके दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। तो हमने पहले ही होमवर्क कर लेते थे, हाँ हमें वहाँ जाके ये करना है, तो वो वर्क अच्छा रहा, तो मतलब प्रॉपर हो गया सर। फिल्म पंजाबी लुक है, आप हिंदी में रिलीज कर रहे हैं, जी थी, कैसे आपको पॉइंट आया किस तरह फिल्में हिंदी में रिलीज करनी चाहिए? देखो क्योंकि जो पंजाबी हम मतलब पंजाब इसलिए क्योंकि पंजाबी लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों को पंजाबी सॉन्ग समझ भी नहीं आए, लेकिन पंजाबी सॉन्ग होते हैं सबके पास, वो सब सुन रहे होते हैं, तो हमें लगा कि हाँ हम मतलब जो ऑडियंस है वो पंजाबी भी पसंद करे, पंजाब के लोगों को भी पसंद करेगी, तो पंजाबी और हिंदी दोनों का मिक्सचर है, मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर हम पंजाबी लेके चल रहे हैं, मतलब इसमें एक्सेंट है थोड़ा सा पंजाबी, बट ये पंजाबी हिंदी दोनों मिक्स है। आपके साथ और आर्टिस्ट कौन कौन हैं? हमारे साथ आर्टिस्ट हैं आशीष बच्ची और मैन एक जस्सी है, और दोनों के टीम स्टूडेंट्स के करेक्टर्स हैं कुछ, तो अच्छा। हाँ अगर मैं फिल्म की बात करूँ, तो फिल्म अगर रोमांटिक है उसमें जो लोकेशन हो वो अगर खूबसूरत नहीं हो तो फिल्म मुझे लगता है बहुत अच्छी नहीं बन पाएगी। मुझे लोकेशन बनाना, लोकेशन क्या है इसमें? लोकेशन जम्मू की रही है और पंजाब की रही है, काफ़ी डिफरेंट लोकेशंस हमने इसमें यूज़ की हैं, और बड़ा प्यारा कंसेप्ट लेके आए थे गणेश सिंह जी, जो जब हमने डिस्कशन की इस पर, एक साल हमें पूरा लगा इस पर, देन उन पर वर्कशॉप्स रही, एंड इसमें डिफरेंट एक्टर्स हैं जैसे कि विशाल रैना जी जिन्होंने इसमें चमकीले का करेक्टर किया है, दिशु रैना, उसके बाद अपने अनमोल भट्ट जी, काफ़ी इसमें करेक्टर्स हैं, और मेरे करेक्टर का नाम इसमें गुड्डू डॉन है, जो देखने में तो आपको बिलनिश लगेगा ही पड़े, बट वो बिलनिश नहीं हुआ, एक कॉमेडी करेक्टर, चल लुक वाइज आपको मैं यंग पीपी अब बिलनिश दिख रहा हूँ, बट आप जब फिल्म देखेंगे आप कहेंगे कि यार ये क्या है, दो शेड्स हैं, कॉमेडी भी बिलनिश भी, कैसे क्रिएट की है? हाँ मतलब एक सेट पे आपको लगना है विलन भी लगना है, हाँ डबल शेड विलन भी लगना, और आपको लगना ये भी लगना साथ में कि आप कुछ नहीं हो, मतलब हो भी बहुत कुछ है और हो भी कुछ नहीं है। आप थिएटर में भी रिलीज कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज करेगा, कुछ रीजन है? देखो ओटीटी प्लेटफॉर्म का पता क्या, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है आज के टाइम पे, मतलब तो ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है कि मोबाइल में है, जहाँ मतलब कहीं बैठे हुए हैं तो हम कहीं पे भी मोबाइल ओपन करके हम देख सकते हैं उस मूवी को, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म सही है, और साथ में नए फिल्म मेकर के लिए बहुत सही है, क्योंकि बड़ी जगह पे आप थिएटर में रिलीज करते हो तो उतना ऑडियंस को लाना, बहुत चीज़ें, बहुत कुछ मैटर करता है, तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म आई थिंक इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर न्यू फिल्म मेकर्स। देखो मास टीव ने तो हमें बेसिक से सपोर्ट किया है, और अंजू मैम ने और संजय सर ने, तो उन्हीं की देखो मेरा आइडिया और मेरी डायरेक्शन ऐसे तो नहीं काम करेगी जब तक पीछे प्रोड्यूसर ना हो, पीछे आपको सपोर्ट करने वाले लोग ना हो, तो इनकी सपोर्ट के कारण से ये पूरा हुआ हमारा। ये 14 फेब को रिलीज हो रहा है मास्क टीवी पे, मतलब आप ट्रेलर तो आप सबने देखा ही होगा, नहीं तो देखा तो देख लो क्योंकि लॉन्च हो चुका है आज। गीत संगीत इसमें सॉन्ग्स इसमें दो हैं, एक ओए जैसी ओए सॉन्ग है और एक तन्हा तन्हा सॉन्ग है, जो कि साहिल शर्मा जी ने किया, बहुत अच्छे सिंगर हैं ये,
बहुत अच्छा म्यूजिक दिया उन्होंने इस पे। ये जो ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, क्या दर्शकों का रिस्पांस मिला है? सबका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम चाहते हैं और अच्छा रिस्पांस मिले और मज़ा आए और सब एक्साइटेड हैं 14/5 के लिए। और जैसे ही 14/5 होती है और एक बड़ा सा धमाका सबके सामने आने वाला है, रोमांटिक लव स्टोरी। इस फिल्म में मैं एज एन गुड्डू टॉन कर रहा हूँ, बहुत ही प्यारा करेक्टर है और ये 14 फरवरी को रिलीज हो रही है मास्ट टीवी पे। और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम के थ्रू ये भी बता दूँ कि और जैसे वो सीजन 2 भी हो जल्दी हम उसको करने स्टार्ट कर रहे हैं। फिल्म से जुड़े हुए और लोग जरा नाम बताएं। इस फिल्म के से जुड़े हुए जो करेक्टर्स हैं हमारे साथ हैं उसमें विशाल रैना जी, अनमोल भट्ट, टिशू रैना और वर्षा और साहिल। सिनेमेटोग्राफर का नाम लेना हमने भूल गए क्योंकि उसने बहुत सपोर्ट किया हमें, रोहित सिंह राजपूत जिन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया, तो उसको मैं थैंक यू बोलूँगा। अभी यहाँ पे है नहीं है, अभी किसी दूसरे शूट पे बिजी है, लेकिन बहुत अच्छा काम किया उसने। मेरी डायरेक्शन पॉसिबल थी नहीं उसके बिना, उसने बहुत ही हेल्प की और ये डायरेक्शन और ये पूरी कॉन्सेप्ट सामने आया थी। एक लाइन में कहें तो दर्शकों को क्या संदेश मिलेगा आपको फिल्म से? देखो एक मतलब मैं पूरा नहीं बता सकता हूँ कि एक छोटा सा मोरल बता देता हूँ कि जब हम किसी चीज़ के पीछे पड़े होते हैं ना और वो शॉर्टकट तरीका जब हम अपनाते हैं तो वो पूरा नहीं होता कभी, है ना। कोई भी काम करें पूरे शिद्दत के साथ करें और पूरा हमें लगे कि हाँ ये सही रास्ता है, उस ट्रैक पे वो चीज़ मिलती है, लेकिन वो उस ट्रैक से वो चीज़ हमें नहीं मिलती जो शॉर्टकट तरीके से हम पाना चाहते हैं, तो बस यही है एक। और बाकी तो हमने छोड़ा हुआ है, जो पूरा तो दिखाना चाहते हैं अगले ही सीजन में। 14/5 को हमारी मूवी आ रही है तो मिलकर देखें इसको सब, है ना। जितने भी हैं अपने साथ जो उनको शेयर कीजिए और हमें आपका सबका प्यार चाहिए। 14 फरवरी आ रहा है, वैलेंटाइन डे आ रहा है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, खासकर मुंबई पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। आपके ओटीटी पे वैलेंटाइन डे को लेके कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है? वैलेंटाइंस डे को लेके ओए जस्सी ओए हमारा मास टीवी ओरिजिनल्स का एक मूवी आ रही है जो जम्मू बेस्ड एक लाइट कॉमेडी लव टाइप स्टोरी है, जिसमें एक मेन लीड एक सरदार कैरेक्टर है हु इज़ वेरी एनर्जेटिक, बहुत एनर्जेटिक है और ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ और अमेजिंग। अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी मूवी। किरदारों के नाम बताइए सर, कौन कौन से हैं, कौन एक्टर है एक्ट्रेस है और क्या कुछ और भी हैं जो नाम बताना चाहें तो? एक्चुअली सब काइंड ऑफ नए लोग हैं ओए जैसी ओए में, और सब अगर आप मूवी देखोगे तो आप कहोगे कि ये लाइक दे आर बॉर्न एक्टर्स, बॉर्न डायरेक्टर्स, दे आर परफेक्ट इन व्हाट दे डू। सर अगर मैं वैलेंटाइन की बात करूँ, वैलेंटाइन डे की 14 तारीख की बात करूँ तो ये एक तो डाई हार्ट लव स्टोरी होती है एकदम डूब के प्यार करने की, और दूसरी तरफ एक टूटने वाली भी स्टोरी होती है, फिर भी काफी लोग का टूट जाता है उस दिन। आप उस वक्त लाइट कॉमेडी ला रहे हैं, एकदम ऐसी रोमांटिक फिल्म नहीं लेके आ रहे हैं कि जो एकदम डाई हार्ट हो जिसमें मर मिटे कुछ, तो क्या क्या कुछ सोच के लाया? नहीं एक्चुअली ये उनके लिए ये जो रोम मतलब एक कपल बैठ के भी उनको देख सकता है मूवी को, और मतलब एक अच्छा वैलेंटाइंस डे के लिए एक अच्छा प्रेजेंट है सब लोग के लिए ये मूवी। मूवी है उसमें संगीत भी बहुत मायने रखता है जी। और खास करके वैलेंटाइन डे का रोमांटिक गाना बहुत मायने रखता है। इसमें कितने रोमांटिक गाने हैं और किसने गाए होंगे? इसमें आई थिंक एक गाना है, रोमांटिक गाना है वो, और वो एक मूवी का ही पार्ट है, उसको भी हम अभी रिलीज करने वाले हैं एक वीक के अंदर। काफी अच्छा है उसका भी गाना भी काफी अच्छा है उसमें। ओए जैसी यंग एंड पैपी लव स्टोरी, और उसमें भी बहुत स्टोरी लाइन इतनी खूबसूरत कि कई पड़ाव ऐसे आएंगे आपको लगेगा कि अरे समझ गए हम तो कहानी, और फिर आपको लगेगा अरे नहीं अभी अभी कहानी पूरी नहीं हुई, अभी कहानी पूरी नहीं, मतलब आपका दिल ही नहीं भरेगा, इतना अच्छा लगेगा। ओए जैसी ये जो कब आ रही है? वैलेंटाइन डे मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में प्यार मोहब्बत इश्क के लिए एक ऐसा दिन बन गया है कि उस दिन सब इजहार करते हैं अपना कि भाई हाँ प्यार है मोहब्बत है इश्क है, तो शायद वो दिन सबसे अच्छा है ऐसी यंग एंड पैपी लव स्टोरी, लेकिन उसमें एक सस्पेंस है वो उसी दिन दर्शकों को पता चलेगा और वो देखकर मतलब वो सच में कहेंगे ओए जैसी ओए कमाल कीता ही। अगर रोमांटिक की बात करें और वैलेंटाइन को भी अगर मैं ध्यान में रखूँ तो उस दिन बहुत गाने भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो गाने को लेके जरा कुछ बताएंगे? गाना एक तो थीम सॉन्ग है ही उनका ओए जोसी ओए करके, और एक सैड सॉन्ग भी है, और दोनों ही गाने आप सुनिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहाँ जो स्टोरी लाइन है वो मतलब एक क्योंकि एक ऐसा भोला भाला सा वो यंग लड़का है जो चाहता है कि जिंदगी में एक से दो हो जाए,
मतलब उसकी ज़िंदगी में भी प्यार मोहब्बत हो, तो वो आपको अंदाज़ा देगा कि कहानी क्या हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो वो जो सैड सॉन्ग है वो बताएगा कि कई बार हम सोचकर कुछ चलते हैं वो कुछ और जाता है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि 14 तारीख को ही आप रिलीज कर रहे हैं, बहुत बड़ा कंपटीशन होगा सर, क्योंकि 14 को और भी पूरे वर्ल्ड से कंपटीशन है सर, किस तरह निपटेंगे इस तरह? देखिए, कंपटीशन तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जिस दिन पहले दिन शुरू किया था उस दिन शुरू हो गया। ये कोई फिल्म रिलीज नहीं है कि एक फिल्म रिलीज कर दी फिर उसका अगर चल जाती है फ्लॉप हो जाए तो आप 5 साल वेट करें। हमारा कंपटीशन हर वीक होता है, हर फ्राइडे को हमको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देखनी पड़ती है। जैसे फिल्म आप देखते हैं उसी ढंग से हम आज एक चैनल आज प्रोग्राम लेकर आए हैं, कल दूसरा प्रोग्राम। मतलब हमारा ये है कि जो ये जर्सी है, ये जर्सी हमारे लिए 14 तारीख तक का दिमाग है हमारा। 14 कंप्लीट हो गया, हमें इमीडिएटली लीच के लग जाना पड़ेगा। जब सर लास्टली ये जानना चाहूँगा, 14 को आपकी जो फिल्म आ रही है उस फिल्म के बारे में जरा बताइए कि मतलब कि एक सब्सक्राइब करके देखेंगे कि फ्री में देखा जाएगा, एक बार जरा दर्शकों को उस बारे में बता दें। देखिए, हमारे पास टोटल करीबन आज की तारीख में 130 से ज़्यादा फिल्में चल रही हैं, ठीक है। और उसमें एक कुछ हम लोग जितने भी सीरियल्स चलते हैं, 40-45 सीरियल्स उसके अंदर हैं, हर सीरियल का पहला एपिसोड फ्री होता है हम लोगों का, ठीक है। और सेकेंड एपिसोड से हम लोग उसका चार्जेस लेते हैं, उसमें वो बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। और आज की तारीख में देखिए, हर चीज़ को मेंटेन करने के लिए कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। प्लस हमने जब ये देखा सबसे पहले कि पहले सब कुछ फ्री ही हमारे चैनल में चल रहा था, और आज भी जैसे ट्रांसजेंडर शो के लिए लास्ट टाइम मैंने कहा था प्रोजेक्ट एंजल्स के लिए हम लोग कभी भी उसको चार्ज नहीं लेंगे, हम आज भी नहीं ले रहे। अभी मिशन 70 के हम लोगों ने 4 एपिसोड फ्री कर दिए हैं। कुछ हम लोग यूट्यूब पे जो हमारा चैनल चलता है मास टीवी का, उस पे भी हम फ्री कंटेंट डाल रहे हैं जो हमारे टेलीकास्ट में हो चुके हैं। क्योंकि बहुत जगह देखने को मिला कि लोगों ने हमसे कहा कि सब हमको प्रॉपर डाउनलोड नहीं हो पाता, तो हमने कहा चलो हम यूट्यूब का सहारा लेते हैं, हम यूट्यूब पे हमको दिखाते हैं, वहाँ भी हम दिखा रहे हैं। दूसरा, आप बात कर रहे हैं इनके चार्ज की बात कर रहे हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो आदमी चार्ज दे रहा है वो एक प्रीमियम कस्टमर कहलाता है, ठीक है। अब वो प्रीमियर कस्टमर के साथ भी कई बार एक ठगी हो जाती है कि साहब मैंने जब पैसा दिया है और मुझे नहीं देखने को मिल रहा, तो उसके लिए हम लोगों का सबसे बड़ा कोशिश ये रहती है कि शुरू के 7-10 दिन हम लोग उस प्रीमियम कस्टमर के लिए रखें जिसने पैसा दिया है, ठीक है, ताकि वो उसको देख ले और उसको अपने ऊपर ही लगे हाँ साहब मैंने पैसा दिया तो मैं इसको देख पा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 7-10 दिन मतलब हम उसकी कोशिश करते हैं कंटेंट के हिसाब से कि कितनी डिमांड आ रही है, क्या है क्या नहीं है,